दोस्तों आखिर इन बच्चों को इस तरह से पन्ने के अंदर बंद करके क्यों रखा गया है? और क्या आपको पता है कि दुनिया में घोड़े की एक ऐसी भी प्रजाति है जिसकी मैक्सिमम लंबाई सिर्फ 2 फीट तक हो सकती है? और आखिर ये अजीब सी दिखने वाली चीज क्या है जिस पर जैसे ही यह बंदा अपने हाथ को रखता है तैसे ही वह चीज सुकड़ जाती है? बेल आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी ही अनसुलझी पहेलियों को सुलझाएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हो गरीब फैक्ट वाला यूट्यूब चैनल। नंबर 1, दोस्तों इस अजीब सी दिखने वाली चीज का नाम है ग्रीन सी एनीमोनी, जो नदी, तालाब और समंदर के किनारे पर मिल सकता है। और कुछ लोग इसको घास समझकर छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई घास नहीं बल्कि एक समुद्री जीव है। और जब कोई इंसान अपनी उंगली को इस समुद्री जीव के ऊपर रखता है तैसे ही यह समुद्री जीव अपने मुंह को बंद कर लेता है। नेक्स्ट, जहाँ हमारे इंडिया में पब्लिक टॉयलेट पर कोई ध्यान नहीं देता और यूज होने के साथ साथ वह काफी ज्यादा गंदे हो जाते हैं, लेकिन विदेशों में हमारे यहाँ की तरह नॉर्मल टॉयलेट नहीं बल्कि सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट लगाए जाते हैं। आमतौर पर सभी लोग पब्लिक टॉयलेट को यूज करने के बाद ऐसे ही गंदा छोड़ देते हैं, और ऐसे में यह सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट सबसे पहले नीचे के फ्लोर को साफ करता है और उसके बाद यूज हुआ टॉयलेट अंदर चला जाता है और दूसरा चमचमाता हुआ टॉयलेट बाहर आ जाता है, और यूज हुए टॉयलेट की अंदर ही बहुत ही अच्छी तरह से सफाई होती है। नेक्स्ट, आजकल ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें इन बच्चों को पन्ने के अंदर बंद करके ऊपर से मास्क भी लगा दिया, लेकिन क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल यहाँ सभी बच्चे एक गेम खेल रहे हैं और इस गेम में इन बच्चों को पन्नी और मास्क से पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है, और लास्ट में इन बच्चों के माता पिता को बच्चे की सिर्फ आंखें देखकर अपने बच्चे को ढूंढना होता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आप इस चेयर पर चाहकर भी नहीं बैठ सकते तो क्या आप यकीन करेंगे? बेल, आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि यह चेयर पैराडॉक्स म्यूजियम में उल्टी लगी हुई है, और इस म्यूजियम के इस कमरे में सिर्फ चेयर ही नहीं बल्कि पूरा कमरा उल्टा है। जैसे कि इस कमरे में टेबल, चेयर और पेंटिंग भी उल्टी लगी हुई है, मतलब पक्का इस कमरे में जाने के बाद आपका दिमाग चकराने वाला है। नेक्स्ट, अगर इस वीडियो को पहली बार कोई बंदा देखेगा तो उसको यही लगेगा कि यह बंदा मजे से वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बंदा कोई वीडियो गेम नहीं बल्कि अपने घर पर बैठकर एक रियल जेसीबी मशीन ऑपरेट कर रहा है। और आमतौर पर इस प्रक्रिया का उपयोग तब किया जाता है जब जेसीबी को किसी ऐसी जगह पर जाकर खुदाई करनी हो जहां पर इंसानों को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट, ये है दुनिया के सबसे छोटे घोड़ों की प्रजाति, जिनको छोटे घोड़ों की ब्रीडिंग करवा के तैयार किया गया है, और यह घोड़े नॉर्मल घोड़ों की तरह आकर्षक नहीं होते और इसीलिए छोटे बच्चे इन पर बैठना और इनकी सवारी करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर आपको भी ये छोटे घोड़े चाहिए तो रसिया में इजिली $7,000-$8,000 में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इस वीडियो को देखने के बाद आपने जरूर सोचा होगा कि इस कोयले के ऊपर इतना सारा पानी क्यों डाला जा रहा है। दरअसल इसके 2 कारण हैं। पहला, किसी गलती की वजह से ट्रेन में भरे हुए कोयले में आग लग जाना, और दूसरा, जब ट्रेन तेज चलती है और तेजी से हवा को काटती हुई आगे जाती है, और ऐसे में हवा के कारण कोयले के छोटे छोटे कण हवा में उड़ने लगते हैं जिससे उस एरिया में उपस्थित लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल पाती और कोयले मालिक को भी थोड़ा लॉस होता है। नेक्स्ट, ये तिजोरी दुनिया की सबसे सेफ तिजोरी है क्योंकि इस तिजोरी को खोलने के लिए 3 चाबियों की जरूरत पड़ती है और 3 चाबी लगाने वाले छेदों की, लेकिन ये बंदा इस तिजोरी को बहुत ही इजीली खोल लेता है, जिसमें सबसे पहले ये बंदा इस बोल्ट को साइड में करके चाबी का एक छेद ढूंढ लेता है, और जब यह बंदा उस छेद में चाबी को डाल के घुमाता है तो एक चाबी का दूसरा छेद भी खुल जाता है और नीचे के बोल्ट से तीसरा छेद भी ढूंढ लेता है, और लास्ट में सभी छेदों पर चाबियों को लगाकर घुमाने पर तिजोरी ओपन हो जाती है। नेक्स्ट भाई, ये स्विमिंग पूल खासकर बच्चों के लिए बनाया गया है और इस पोल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट वाटर लेयर लगी होती है जिस कारण इसको बाहर से देखने पर यह बिल्कुल असली पोल दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर तो यह बच्चे बिना भीजे मजे से खेल रहे हैं। ओके बाय दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दो।